हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ और वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी है उसको उतारने के लिए चढ़ी हुई थी यहाँ पर सोफ़े पर, और इधर खूंटी की सहारा ले रखा था मैंने। तो डर तो लग रहा था कहीं ये सोफ़ा गिर ना जाए। और पीछे देखिए आप, बड़े मिस्त्री जी खड़े हुए हैं। मतलब मैं इसको ट्यूबलाइट को उतार रही हूँ और ये यहाँ आकर खड़ा हो गया है। मेरे पीछे पीछे रहता है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं भी बाहर काम कर रही थी इसलिए मैंने प्लाजो भी चढ़ा कर रखा हुआ था। ये वाली ट्यूबलाइट जो है वो फूक गई है। मतलब एक दिन ऐसा हुआ, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, बिजली की लाइन निकल गई, कोई सी 11,000 की लाइन निकल गई और काफ़ी सारे नुकसान हुए लोगों के गाँव में। तो हमारी लाइट तब से फूकी हुई थी, तो हमें इसे उतारना था और ये गारंटी में है। इसको मतलब लेकर जाना है, चेंज करके लाना है, और अभी मैंने इसे उतार दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बाहर, और यहाँ ये जो बॉक्स है देखिए, जिसमें मैं डब्बे रखती हूँ, तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और एक एक डब्बा जो इसमें मैं जो रखना है वो मैं इसमें साफ़ कर रख रही हूँ। कुछ छोटे डब्बे हैं जो गंदे हो रहे हैं, मैंने उनको निकाल लिया है, मसालेदानी पूछ लिया अच्छे से। और एक एक जो खाने में मसालेदानी के नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब डाल दिए हैं, जिनमें नहीं है गर्म मसाला जीरा धनिया, तो ये सब चीज़ें मैंने इनमें डालकर मसालेदानी रख दिया है। इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ऊपर जो है ये डब्बा रखा हुआ था, इसमें नमक की थैली और चावलों का आटा ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसे मैंने ऊपर रख दिया। और यहाँ जो मतलब स्लेपर जो सामान सिंगवाना था बाद अभी मैंने यहाँ पर ये गैस का जो चूल्हा है वो साफ़ करना है, और सिलेंडर भी साफ़ किया है, दोनों चीज़ों को साफ़ कर दिया है। और ये गैस का चूल्हा जो है नीचे मम्मी ने रख लिया था, वो जब भी कुछ काम करने लगती है गैस पर इसे नीचे टेक लेती है। तो मैंने उनको बोला है कि आप पटड़ी बिछा लीजिए और तब उस पर काम कर लीजिए गैस के चूल्हे पर, बार बार नीचे उतारना ऊपर रखना, इस तरह सेटिंग बिगड़ती है। और अभी यहाँ पर देखिए बनियान पड़ा हुआ था, मैंने पाँव से ही उठा लिया उसको, और ये जो गैस के बर्नर है ये साफ़ करना है, बनियान धोना है मुझे। तो ये मैंने ना नीचे सिलेंडर साफ़ करने के लिए बना कर रखा हुआ है। और उसके बाद अभी मैंने देखी ऊपर देखी गैस जो है फिट कर दिया, और जो नली है वो नीचे की साइड में बहुत अच्छी फिट हो गई। उसके बाद पर कर रही हूँ बाथरूम साफ़, तो मुझे नहाना था, नहाने से पहले मैं इस बाथरूम को साफ़ कर रही थी। वैसे तो रोज़ सुबह में धोते हैं, पर आज मेरा टाइम ही नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पानी डालकर साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। पर उससे पहले मेरे लिए दो तीन काम निकल आए, और मुझे यहाँ पर ये चौकी साफ़ करनी थी। ये जो पानी मैंने बर्तनों के लिए एक बाल्टी पानी भर लिया था और कुछ वहाँ पर रखा हुआ था, और मुझे ये जो चौकी साफ़ करनी है, इस पर आप लोग देख सकते हो काई लग जाती है। सारे दिन पानी का काम है, काई लगती रहती है, और मट्टी जो है मट्टी तो रुकी जाती है यहाँ पीछे पानी में। पीछे मम्मी ने ना फावले से थोड़ी मट्टी भी निकाली थी और फिर से यहाँ पर पानी भर गया, और ये पानी जो है बस ऐसे ही भरा रहता है चौकी पर, क्योंकि अभी नाली की कोई सुविधा नहीं है। सोचते हैं आगे, टाइम देखते हैं आगे, जैसा भी हिसाब होगा एक पाइप गड़वा लें नीचे धरती में, जिससे उसका पानी बाहर नाली में जाए। तो यहाँ पर पीछे पानी भरता रहता है, घास भी इसीलिए होता है कि बार बार पानी भरता रहता है, जितना पानी जाता है घास बढ़ता चला जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है। ख़त्म ही कैसे होगा जब बार बार पानी जाता है घास हो जाता है। और अभी मैं ना चौकी को साफ़ कर रही थी, तो मैं यहाँ पर ये ब्रूस रखा हुआ था, ये मतलब ब्रूस जो है ख़राब हो रहा है, मैं इसे चौकी साफ़ करने का ही बना कर रखा हुआ है, तो मैं भी इसी ब्रूस से काई साफ़ कर रही थी। और जो नल पर कपड़े हैं वो मैंने झकोले थे, और इधर टूल पंप चला तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर इस पर टेक दिए थे, ये मुझे भी फलाने हैं। तो तीन दिन से कपड़े धो रही हूँ, कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, आप लोग समझ सकते हो। बच्चे का साथ है, जब भी मौका लगता है जब भी धोने के लिए लग जाती हूँ,
दोपहर में थोड़ी बहुत देर लौटने के लिए भी मन करता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन काम बस काम काम। अभी इतनी कैडी धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वह है काम तो करना पड़ता है, धूप हो या कुछ हो। मैं लग तो रही थी कैडी कैडी झाड़ू लगा रही थी जिससे पानी निकल जाए। और इधर आप लोग पूछोगे पाइप पीछे से कहाँ से आ रहा है, तो ये पाइप जो है इधर पीछे फैला हुआ था, इस तरफ से आ रहा था। और बस चौकी तो है मेरी साफ़ हो गई और मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा कर ये जो पानी है उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ का जो मेरा काम था वो सारा हो गया था। तो ये जो कपड़े रखे हुए थे नल पर मैंने सुखा रही थी, और कुछ तार पर पड़े हुए थे अभी भी, कुछ जो सूख चुके थे वो मैंने उतार लिए थे, उन पर मुझे प्रेस करनी है। तो अभी तो मेरा टाइम नहीं लगा है, नए कपड़े रखे हुए हैं सारे। घर के कपड़ों पर क्या होता है, कभी कभाक हो जाती है प्रेस, कभी नहीं होती है, ऐसा ही चल रहा है मेरे साथ। बस मौके के ऊपर बात है। उसके बाद देखिए मैं आ पहुँची हूँ मार्केट, आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई, तो मैं आई हूँ यहाँ मार्केट में। और ये काफ़ी बड़ा शोरूम है, इसमें आई थी मैं। तो देखिए आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी कूलर ख़रीद लीजिए, तो देखिए मैं क्या ख़रीदने के लिए आई हूँ, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ देख रही थी, तो यहाँ पर मिक्सी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजली की मतलब सारी चीज़ें थी, मिक्सी वगैरह, बेड वगैरह, मतलब फर्नीचर वगैरह का सब सामान था, और काफ़ी अच्छे रेट पर मिल रहा था मतलब। तो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने छोटा फ्रिज भी पूछा है, उसका अमाउंट भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब बोला कि अगर आप लोग लोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा कम हो सकता है। तो मशीन देखे कपड़े धोने की, फ्रिज वगैरह, ये सब चीज़ें अब नहीं उधर है ना, सामने वाली साइड घूम रही थी, देख रही थी, और यहाँ पर मैं देख रही थी। तो मैं आई थी यहाँ पर कुछ लेने के लिए, तो यहाँ पर ये भैया बैठे हुए थे, इधर ये कूलर वगैरह। तो देखिए अब जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह ना सैनिटाइज़र का यूज हो रहा है, सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है सेफ्टी के लिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे कूलर थे, 5000 की रेंज में भी कूलर था। तो मैं सोच रही हूँ कि देखते हैं जैसा हिसाब बनता है वही लेंगे। तो अभी उसके बाद मैं घर आ पहुँची थी, और मैं क्या लाई हूँ अभी आप लोग पीछे देख सकते हो। तो देखिए मैं कूलर तो नहीं लाई हूँ, पंखा लाई हूँ, और ये अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे हैं ना खेल रहे हैं, नमकीन का डब्बा ले रहे हैं, वो खा रहे हैं दोनों। तो देखिए आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ, ये फ़ैन लाई हूँ मैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी हवा है, ठंडी हवा है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसमें आराम से सो पा रहे हैं। तो मेरा भी हिसाब नहीं था कि मैं कूलर ले आऊँ, तो देखिए बजट के हिसाब से चलना पड़ता है, हर चीज़ें बजट के अनुसार ही करनी चाहिए, लिमिट से बढ़कर कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लिमिट से बढ़कर कर लेते हैं और फिर आगे की परिस्थिति तो देखनी पड़ती है। छोटे बच्चों का साथ है घर में, हारी बीमारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो मेरे को सही लगा कि यही ले लूँ कूलर, अभी फिर देखूँगी। उसके बाद देखें यहाँ अवनी का चल रहा है डांस, अवनी का तो मूड है जब देखे जब शुरू हो जाती है। तो अभी उसको मम्मी मैं डांस करती हूँ, आप मेरी वीडियो बना लीजिए। वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट। तो देखिए मैं आप लोग बोल रहे थे कि दीदी कूलर ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, तो मैं कूलर नहीं लाई हूँ, मैं एक पंखा ही ले आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं अभी 2-3 महीने की गर्मी है, पंखे में काम चल जाएगा, थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं, थोड़ा पंखे में बैठ जाते हैं, वैसे इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों को इसकी आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो रहा है, मतलब आराम से हम दोपहर में सो लेते हैं, शाम में, दिन में, इतनी ठंडी हवा लग रही है बहुत। तो मैं सोच तो रही थी कूलर लेने के, कमेंट आ रहे हैं कि बैठ बीच में कर लीजिए बहुत अच्छा लगेगा, अपनी रुक जाओ अपनी बैड को लेकर कमेंट आ रहे हैं कि बैड बीच में कर लीजिए बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं एकदम तो नहीं बोलती हूँ कि मैं आज ही कर दूँगी या कल ही कर दूँगी, तो कोशिश करूँगी मैं 1-2 दिन में बैड को बीच में कर लूँ। और सेब बताइए फिर सेब कहाँ करूँ मैं, अगर बैड बीच में कर लूँ ड्रेसिंग उस वाली फुट में कर लूँ, तो क्या सेब सामने वाली फुट में इधर ही शायद रहेगी, या फिर सेब में भी कुछ चेंज करूँ, तो कमेंट करके बताइए। तो शायद वो काफ़ी बड़ी आंटी है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, तो जी आंटी जी मैं आपकी बात पर गौर दूँगी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, हाँ मेरे को भी लग रहा है रूम में थोड़ा अजीब सा बैड, ये बात सही है, दोनों साइड से अच्छे से साफ़ हो जाया करेगा। और एयरिंग्स को लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए मुझे बहुत अच्छा। और जो नहीं जो मेरे पास था वो मैंने दिखा दिया, और जो बाकी का है मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ है, तो वो मैं नहीं दिखा पाई। आप लोग बोलते हो कि सोने चांदी की चीज़, तो सोने चांदी की चीज़ों का क्या है, तो कोई बात नहीं आप पहना करो। तो देखिए बस यही है, मैं नहीं पहनती हूँ, रीजन कान पक जाते हैं मेरे पर। अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं ज़रूर पहनूंगी और आप लोगों को पहन कर दिखाऊंगी, ज़्यादा दिन नहीं तो कुछ टाइम के लिए आप लोगों की बात के लिए ज़रूर पहनूंगी। ताकि अपनी को यूट्यूब से दूर रखो, पढ़ाई में ध्यान, पढ़ाई नहीं कराते हो आप उसको, तो ऐसा करनी है, वो ट्यूशन जाती है।
अभी फिलहाल जो है उसका ट्यूशन बंद हो रहा था, उसकी दीदी नहीं थी यहाँ पर, अभी वो आ गई है, उसको ट्यूशन भेजना शुरू कर देंगे। और सुन रहे हैं कि 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, पक्का नहीं पता पर सुनने में आ रहा है ऐसा। तो मेरे को ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों से अच्छे से बात करूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकाल लूँ, तो बस मेरा यही है। और अभी कमेंट आएगा दीदी कानों में इयररिंग्स नहीं है, तो रात में मैंने निकाल दिए थे, रात को मैं निकाल देती हूँ, मैं रात में पहन कर नहीं सोती हूँ। चेहरे को लेकर भी बहुत सारे कमेंट हैं आप लोगों के कि चेहरा दिखाइए, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। तो चेहरे के लिए भी मैं कुछ यूज कर रही हूँ, वो अभी आप लोगों को मेरे आने वाला एक वीडियो है उसमें पता चल जाएगा, जो वीडियो आने वाला है कि मैं चेहरे पर क्या यूज कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतनी सी ही बात, मैं आप लोगों से आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप लोगों के सवालों का जवाब देना था सो मैंने दे दिए हैं। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, तब तक के लिए बाय बाय।